बाद में एंटर हो रहे हैं। वली हाय करो। तो आज हमारे साथ व्लॉग में वली भी होंगे। ज़ोर से बोलना क्योंकि माइक नहीं लाई आज। देन हम अंदर आ चुके हैं और चलते जा रहे हैं और आज काफ़ी लोग हैं सिंबाद में, तो अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है। तो हम अब आ चुके हैं अंदर। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है आज का। सो ये हम आ चुके हैं सिंबाद में। आप यहाँ की एनवायरनमेंट देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा मौसम और इतनी प्यारी हवा, ठंडी ठंडी और ऊपर से एंजॉयमेंट। आज तो मज़ा आने वाला है ना वली? फिर आप कौन कौन सी राइड पे यहाँ बैठने वाले हैं? सारी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्या पता है यहाँ से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए। और ये काफ़ी सारी शॉप्स, और हमने अपनी फ्रेंड के साथ बिल्कुल मस्त होकर चलती जा रही हैं। और वली कितने खुश हो रहे हैं। वली आपको मज़ा आने वाला है। इनकी शक्ल से अपनी शक्ल दिखाइए, बस इनको यही आता है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने झूलों के ऊपर एंजॉय करते हुए, तो हम भी झूलों में बैठेंगे। और अभी तो शाम के बज रहे हैं 5:15, और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे जाएंगे। झूला चल रहा है फिलहाल, और यहाँ ज़्यादातर बच्चों के ही दिख रहे हैं। और वली काफ़ी खुश हैं बच्चों की तरह, और अभी इतना रश नहीं है। हम भी बैठेंगे ना झूले पे वली? बैठेंगे झूले। कौन से वली? तुम भी नहीं मिल रहा? No, God, please, no! फिलहाल अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। अभी सारी राइड्स ओपन नहीं हुई हैं, कि अभी शाम इतने ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। अभी अभी धूप ख़त्म हुई है, तो अभी इतने ज़्यादा लोग आए नहीं। वली बोल रहा है मुझे क्रेज़ी बस में बैठना है। अम्मी ने कहा नहीं, हम दूसरे कपड़े तुम्हारे नहीं लाए, जस्ट किडिंग। ओके। तो यहाँ पर सब गुजरते हुए जा रहे हैं आगे पीछे, और वली बिल्कुल सब लड़कियों को ताड़ते हुए। वली क्या कर रहे हो ये? वली वली की गाड़ी चल चुकी है, और ये काफ़ी बच्चों वाला था तो इसलिए मुझे भी कह रहा था बैठने के लिए, मैं नहीं बैठी। और ये कराची से लाहौर तक का सफ़र अपना इसी पे करने वाले हैं, बिल्कुल खचाड़ा बाइक पर। और ये वाले में मैं बैठने का सोच रही हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया है कि इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बैठने दूँगी मैं। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी वली की बाइक चल रही है, जो कि इंजॉय कर रहे हैं ये कुछ बड़बड़ाते हुए, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इतने शोर में। और ये बच्चे, बस मेरा दिल यही है कि मैं इस पर बैठूँ। पहले ही वली की फटफटी बंद हो गई। चलो भाई नीचे आ जाओ, पैसे पूरे हो गए। और इन पर उतरा नहीं जा रहा बिल्कुल सही से। वहाँ से आओ, बाहर से बोरा। और ये बाहर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको मज़ा आया कि नहीं। और ये हर जगह से शॉर्टकट ढूंढते हैं। मज़ा आया आपको? चक्कर तो नहीं आ रहे? कमर की वाट लग गई। जोर से बोलो, कमर की वाट लग गई हमारे पूरी। इस पे बैठे शिप में मज़ा आएगा। तुमने किया है? इसमें बैठने वाले हैं वली और मैं। वली बैठते, मज़ा आएगा। इसके बाद हम लोग बैठेंगे वो वाले में, हैं इस राइड पे। और वली को कैमरा देकर जा रही हूँ। तो हाई सोचर पे गई हैं, वाई झूले पे भी स्टार्ट हो जाए। मैं तो नहीं बैठा भाई, मैं तो, मुझे डर लगता है भाई। कब चलेगा? बैठ रहा हूँ, चल रहा चल रहा। बच्चा कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा भाई? चल चल स्टार्ट कर दो। तुम ऊपर जाके बनाओ ना उधर, और ऊपर जाओ। मुझे
गाइस ये देख लें आप, गाइस ना शुक्र मैं नहीं बैठा गाइस, बोले कुछ अभी और चपियो चपियो जा रही हूँ, देखे बस बस ये देखे ऊँचे पे जा रही हूँ चपिया, ये देखे मुझे भाई डर लग रहा भाई, तू जा रही हूँ चपिया भाई 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 क्या कर रहे हो, रो जाएगा रो जाएगा गाइस, तुझे अभी नजर ही नहीं आ रही कहाँ गई, येरी येरी गाइस येरी 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 पे देखे मुझे चप्पे का हाल हो गया, पूरा हाल क्या हुआ चप्पे ने, पूरी गाइस हो रही है और घूम रही है, वो देखे घूम रही है घूम जा गई है यहाँ कहीं घूम घूम रहे हालत बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है हो गया पास पूरे, वो अभी तक प्लान नहीं हो जा गया हो गया झूला कंप्लीट, वो सबसे बेस्ट है यार, ना ड्रामा अरे बाथरूम में बाथरूम में पूरा मेरी गेम पूरा चली गई थी, स्टॉप कर दो ना कैसा लगा भाई कैसा लगा, अच्छा हाल मैं अभी कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ, मेरी जुल्फे बंगाल बिल्कुल खुल चुकी है लगा, कैसा लगा उसके बाद ही चले गए, फिर बात वहाँ पे डेट चल रही है मेरी बुरी बात okay. वली पूछने गए कैंटीन से कि क्या है, थोड़ा दिमाग तवाजुन जगह पे आ जाए, उसके बाद फिर अगली राइड पे जाते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं, अगला टारगेट मेरा ये ट्रेन मुझे नज़र आ रही है और चीख चीख के मेरी आवाज़ थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो ये अगला टारगेट हमारा ये ट्रेन है, पहले तो चलेगी आहिस्ता उसके बाद चलेगी तेज, वली बैठोगे बैठोगे ट्रेन में, मुँह से बोलो और वली की देखते ही हालत टाइट हो गई है, कह रहा ख़तरनाक है ये भी, तो अब हम बैठेंगे उससे झूले ढूंढ रहे हैं फिलहाल, अभी थोड़ा इतने तेज़ झूले के बाद दिमाग की हालत थोड़ी हिल चुकी है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं अगली राइड पे। पॉपकॉर्न खा रही थी तो इनके पास भेड़ आ गया, इनके पॉपकॉर्न खाने दुम्बा सॉरी भेड़ नहीं दुम्बा, और डॉजिंग कार अभी खुली नहीं है तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ आके मुझे मेरा बिल्कुल बचपन याद आ गया, क्यों अम्मी yes. वैसे ही करता जैसा भी तुमने बताया था, विलोइन
और वली बहुत तश्वीश के साथ जा रहा है देखने के लिए कि क्या सीन है। ये कहाँ जा रही है? ऐसे और ये लोग नीचे आ रहे हैं लोग। आई अम्मी से मनी लेते हुए ये भागे टिकट लेने। और ये वाला कुछ इस तरीके का है, पता नहीं क्या है ये, मैंने तो पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा है कि है क्या चीज़। वली ले रहा है टिकट, जब तक हम देखते हैं ये चीज़ है क्या। ये छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए इधर और अम्मी ने आवाज़ मार दी कि मैं पीछे ही खड़ी हूँ, आ जाना। और ये वली फुल भरम के साथ आते हुए, उन्होंने बिना पूछे हेलमेट उठा लिया। टिकट दिखाओ, टिकट लिया है कि नहीं, टिकट लिया कि नहीं। और ये बहुत खुश होते हुए शपाटर बॉय, शपाटर से कोई याद आ गया। खैर छोड़ें, अंकल पता नहीं कहाँ चले गए और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि अंकल आएंगे तो बाइक चलेगी, लेकिन अंकल ही पता नहीं कहाँ हैं। पता करके आओ उनसे अंकल। अब मुझे लग रहा है कि वली की बारी आने वाली है। जब भी कहते हैं लड़कियाँ किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं। और अब जाने वाले हैं हमारे शपाटर वली फुल दबंग स्टाइल में जाते हुए। इन्होंने कहा कि इससे नहीं चलाया जाएगा, इन्होंने उतार दिया। और ये बातें कर रहे थे कि लड़की इतना आहिस्ता आहिस्ता चला रही है। और इनकी हालत चेक करें, इनकी शक्ल चेक करिएगा अभी जब ये मुड़कर आएंगे, कि इनकी शक्ल पे कैसे 12 बजे ये वली फुल 12 बज रहे इनके चेहरे पे। और ये बिल्कुल फटफटी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी पूरी सही से पैंट वैंट गीली ना हो जाए, मुझे तो डर ही लग रहा है। चलो अब इनमें थोड़ी हिम्मत आ गई लग रहा है, थोड़ी स्पीड पकड़ ली इन्होंने। अंकल को ही ना उड़ा दे, अंकल ने कहा ऐसा चलाओ। ये खुद उछल रहा है बाइक के साथ साथ। अंकल ने कहा चलो भाई तुम्हारा किराया पूरा हो गया। और बच्चे इतने सारे बैठे हैं, क्या हमारा ये बहुत खुशी के साथ भाग रहे हैं। और ये मुझे भूल गए कि मैं भी इनके साथ आई हूँ, मतलब कोई तमीज़ और तहजीब ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं। बैठ रहे हैं हम ये वाले ड्रैगन पे और वली बहुत रश में घुस के टिकट ले रहा है। आंटी और मैं बैठेंगे और अब संभालेगा वली। ये हमने ले ली दो टिकट, अब वली कैमरा संभालेगा। गलत चलेंगे साहब। हम ये वाली राइड पे बैठ रहे हैं, यहाँ से व्यू दिखाएंगे। वली से मेरा मोबाइल छीन लिया, वली नीचे खड़ा हुआ है। और फिर दोबारा से आंटी और मैं बैठ रहे हैं। आंटी टिकट पकड़ें, अभी पकड़ें तो अल्लाह रहम करे इस रोलर कोस्टर जैसी राइड पे बैठने से। मैंने मोबाइल कस के पकड़ लिया है, बिस्मिल्लाह। और जब तक ये फुल नहीं होती जब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और सब बैठ रहे हैं। अगर इस जगह पे मेरे चीखने की आवाज़ आए तो बुरा मानने का नहीं, बिस्मिल्लाह। और ये राइड स्टार्ट हो गई, बिस्मिल्लाह। भी मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका है।
ये आंटी हमें बताते हुए ये राइड पे बहुत जोर का चीखने के बाद अगली राइड की तरफ पहुंचते हुए हो गई हूँ मैं बड़ी, लेकिन अभी भी मेरे काम बिल्कुल बच्चों वाले हैं, जो कि शोर शराबी के साथ फुल बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ मैं भी। कोई बात नहीं क्योंकि मैं बच्ची। तो खैर अब हम इस झूले पे जा रहे हैं, ये वाले पे। अम्मा के पैसे लेते हुए हम लोग 80 रुपये, 80 160 लो दो टिकट, 70 रुपये। डॉजिंग कार में बैठेंगे हम दोनों। वाओ वेरी नाइस। ये खुशी से भाग रहे हैं टिकट लेने के लिए। अल्लाह मेरी तो गर्दन आज सोते हुए बिल्कुल या कट जाएगी। वो वली गया टिकट्स लेने, डॉजिंग कार में हम लोग बैठ रहे हैं और ये हम एंट्रेंस की साइड पे जा रहे हैं कि हम बैठने वाले हैं डॉजिंग कार पे। जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कोई नहीं, मुझे चलानी नहीं आती, मुझे चलानी नहीं आती। अलग अलग बैठने को ये बोल रहे हैं साहब और मुझे चलानी नहीं आती। हाँ हम अंदर आ गए। वली सही गाड़ी में आई, एंजॉय करते हुए सही गाड़ी में बैठना। जहाँ तुम उधर से जाने दो ना, रुको। ये बहुत कंफ्यूज बच्चे हैं और हम लोग बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में। भाई धक्के दो कम मारना, कहाँ कहीं पैर वैर तो नहीं रखना। मुझे बिल्कुल भी चलानी नहीं आती। हल्के धक्का मारना। अल्लाह अकबर। वली धूम दे रखता हूँ बच्चा, फ्री फायर की तरह हमारे पीछे लगता हूँ। आगे बढ़ाओ ना, इनको इनसे चलाई नहीं जा रही है। बड़ा आदमी है ये बदनाम के, हमें सब लाते मार मार के भाग रहे। और ये अंकल ने इनकी हेल्प कर दी। मार 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 मार, और ये हमें मार दिया। और फुल सारे धक्के एक दूसरे को मारते हुए। ये बच्चों के धक्के वाली, जैसे अंकल ने बताया वैसे करो। टाइम पूरा हो गया। चलो भाई हमारा अब टाइम पूरा हो गया। वली पसीना पसीना पूरा हिल जुलने के बाद अब कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। खाने पीने बैठ गए हैं और मगरिब का टाइम हो रहा है। वली को अम्मी ने टोकन वगैरह दिला दिए और वो गोलगप्पे वगैरह ले रहे हैं। और ये हमारी चीज़ें आ गई, चाट गोलगप्पे, और अब हम खाने के बाद मिलते हैं। पीने के बाद हम लोग हो चुके हैं फारिक, अब तैयारी है घर को निकलने की। और यहाँ सारी लाइट्स चूल्हों की ऑन हो चुकी हैं, तो हमें बहुत मज़ा आया। वली आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। कितना मज़ा आया? बहुत। इनकी शक्ल से ही लग रहा है कि बहुत थक चुके हैं। और बहुत प्यारे प्यारे झूले यहाँ पे अब खुल चुके हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया। अब हम लोग घर को चलते हैं। लोग जा रहे हैं घर और बाहर के रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ सारे स्टॉल्स ना खुल गए, झूले भी खुल गए हैं, स्टॉल्स भी खुल गए हैं, सारी जगह खुल चुकी है यहाँ पे। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं घर और बाहर के रास्ते से निकलते हुए ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे मेरा बचपन बहुत याद आ रहा है। जब हम लोग वेकेशन में नानियों के घर जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग मतलब जब भी हम जाते थे तो हम मामा के साथ यहाँ आते थे। तो ये सब कुछ देख के मुझे मेरा बचपन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और ये बड़े बच्चे भी बैठे हैं इसके अंदर, लेकिन हम नहीं बैठे। और ये हम सिंदबाद से बाहर निकल रहे हैं और अब पता नहीं हमारा कब आना हो यहाँ पर। तो ये हम बाहर निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं। एग्ज़िट वहाँ पर है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।
अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए डू लाइक खुदा हाफिज़।